पे जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, न्यू UPCHO की वैकेंसी यहाँ पे जो है, आप सबने PDF देखा होगा, उसके बारे में आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उसके लिए हम सबको जो है UPNHM की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पता कराएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे जो 5,505 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों, उसके रिगार्डिंग नई अपडेट आप सबके लिए आ गई है। और यहाँ पे वो अपडेट है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन से रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बारे में आपको सारी जानकारी बताऊँगा। जो 4 तारीख को और 7 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाले हैं वो मैं आपको बताऊँगा। कैसे कैसे जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, उसके बारे में आपको सारी जानकारी इस तरीके से देने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की बड़ी अपडेट है आप सबके लिए, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इसमें आपके लिए वैलिड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है उसकी जो वैकेंसी अभी जो जारी की गई थी उसके बारे में आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो PDF है ये जारी की गई थी और इस पर जो है एडिट करके जो है डेट चेंज कर दी गई थी। यहाँ पे देखिए 29/8/2022 की। ये दोस्तों अगर वैकेंसी की बात की जाए, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर से पता लग जाता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई थी दोस्तों पहले की है और इसी PDF को एडिट करके जो है डेट चेंज करके इसमें जो है डाल दी गई है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है ये वैलिड नहीं है, यानी कि फेक न्यूज़ है ये। अगर ऐसी कोई वैकेंसी आती है तो ऑफिशियल वेबसाइट UPNHM की पे वहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं है। वो भी मैं आपको अभी प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें जो भी क्राइटेरिया है आपको समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी फेक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैकेंसी आएगी दोस्तों, सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी, ठीक है। अब भी इसके बारे में आप जो है झूठी अफवाह जितने भी कैंडिडेट उड़ा रहे हैं वो जो है फेक है, और आप लोगों को ये समझ रहे हैं कि दोस्तों वैकेंसी 5,505 वैकेंसी की जारी कर दी गई है, ठीक है। उसके लिए बस आप जो है ध्यान दीजिए, कितनी दोस्तों 5,505 वैकेंसी ऑलरेडी आई हुई हैं, उनके लिए जो है आप तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। जैसा मैंने आप सबके लिए क्लास भी जारी कर दी गई हैं अच्छे तरीके से, जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं जो है आप सबके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और अब दोस्तों जो नई अपडेट आई है इस 5,505 वैकेंसी रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन से रिगार्डिंग, ठीक है, किससे? नॉर्मलाइजेशन। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है 4 को और 7 को जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में, तो उस तरीके से देखा जाएगा दोस्तों शिफ्टों में जो है पेपर कोई सी शिफ्ट का कठिन होता है, कोई सी शिफ्ट का जो है ईजी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सबके लिए जो है क्राइटेरिया देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, किस शिफ्ट में हार्ड पेपर थे, किस शिफ्ट में नॉर्मल क्वेश्चन थे, उसके अकॉर्डिंग जो है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइज का क्या फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बता दूँ, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन लागू होगा वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं UPNHM की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पे आप सबके लिए एक नई जो है न्यू यहाँ पे जो है नोटिस आपके लिए जारी कर दिया गया है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉर 5,505 वैकेंसी, जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसके लिए यहाँ पे जो है इन्होंने जारी कर दी गई है। क्या? नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है लेटर डाउनलोड होकर आ जाएगा। डियर, जैसा आप देख पा रहे हैं स्कोर नॉर्मलाइजेशन, अबाउट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन, देखिए सभी एग्ज़ाम जो शिफ्ट में होते हैं उनका अलग अलग जो है पैटर्न तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब किसी शिफ्ट में जो है नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, किसी शिफ्ट में नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे और किसी शिफ्ट में जो है हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उन नॉर्मल और हार्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के, जैसे किसी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें कैंडिडेट के 70 नंबर आए हैं और वो शिफ्ट थी दोस्तों ईजी, तो इस ईजी शिफ्ट का जो है कंपेयर दूसरी शिफ्ट से कराया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 70 नंबर वाले कैंडिडेट है उसके 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं, ठीक है, और कम नंबर वाले के दोस्तों ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन मेथड, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं, इसके रिगार्डिंग ही आपका जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है।
इसके रिगार्डिंग जो दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बाद में जैसे ही आंसर की आएगी वो भी हम आपके लिए सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। आप सबको पता है पहले से ही प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं, क्योंकि UPNHM की सारी अपडेट हमने आपको प्रोवाइड करवाई हैं और आगे भी इसी तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे ही आप सबके लिए रिजल्ट जारी होगा उसके बारे में भी बता देंगे, लेकिन रिजल्ट जो जारी होगा आपका वो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। उसमें आप सब लोग ये सोचेंगे कि मेरे 70 नंबर थे 78 नंबर थे, तो वो थोड़े से आपके नंबर कम भी हो सकते हैं, और जिसके कैंडिडेट के नंबर कम थे तो वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि वो शिफ्टों का जो है अंतर आप सबके लिए देखने को वहाँ पे मिलने वाला है, तो वो जानकारी हम आपको लिए दे देंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी आपकी, नहीं है आपके जो पेपर में वो नहीं है, ये बढ़िया बात है आप सबके लिए। बस अभी जो है आप दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी पर जो है ध्यान दीजिए। 5,505 वैकेंसी हैं, जो कि काफ़ी संख्या में वैकेंसी हैं, और अब की बार जो मौका है दोस्तों इसको बिल्कुल भी ना जाने दें, ठीक है। और उसके लिए मैंने दोस्तों क्लासेस जारी कर दी हैं, क्लासेस बहुत अच्छी हैं, अगर आप एक बार देखोगे दोस्तों सारी क्लास देख के मानोगे, क्योंकि क्लासेस बहुत अच्छी हैं आप सबके लिए, क्योंकि मेनली क्या है वो प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं CHO के एग्ज़ाम में, और उन्हीं को जो है एक्सप्लेन के साथ में मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो आज की यही जानकारी आप सबके लिए रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और आप लोग क्लास लीजिए और अपनी स्टडी को मेंटेन करके रखिए, ठीक है। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।